हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। जैसे हमने डाटा वैलिडेशन के बारे में कल के क्लास में डिस्कस किया था, कुछ ऑप्शन उसमें थे जो हमने बताया था अगले क्लास में पढ़ाएंगे, वही आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन है, उसका क्या यूज है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो आते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं हम लोग। और एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे डाटा टैब पे आते हैं और डाटा वैलिडेशन पे आते हैं। डाटा वैलिडेशन में हमने आपको बताया था और समझाया था, बस एक ऑप्शन छूटा था, लिस्ट। देखिए इस लिस्ट का क्या यूज है, इस लिस्ट का इस्तेमाल हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। किसका? इस लिस्ट का इस्तेमाल हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। आप लोग देखे होंगे एक मेनू रहता है, उस मेनू पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कोर्स का एक मेनू है, जब कोर्स पे क्लिक करते हैं मेनू बनता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता है, ऐसा कुछ ऐसे। जब जैसे यह ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो देखो अलाउ अलाउ का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है। अब जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें से किसका इस्तेमाल करना सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हम अपने हिसाब से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो कुछ एड्रेस कॉमन है, जैसे मान लीजिए पटरौना, रामकोला, कसिया, ठीक है, रामपुर, ठीक है, यह सब एड्रेस बार बार जितने हमारे स्टूडेंट आते हैं इसी सेक्टर में आते हैं, मतलब इसी एड्रेस से आते हैं। एक तो तरीका है, जब स्टूडेंट आते हैं तो बार बार हमको लिखना पड़ता है। और एक तरीका है कि हम उसका एक लिस्ट बना लेंगे, जो स्टूडेंट जिस एड्रेस का रहेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, लिखना हमको नहीं पड़ेगा। हाँ, गलती से कोई दूसरा एड्रेस लिखते भी है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में लोग एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे कोर्स वाला हो गया, जैसे जितने हमारे कोर्स है उसका लिस्ट बना लेंगे, तो उस कोर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जो जिस कोर्स में जो स्टूडेंट आएगा उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर गलती से कोई ऐसा कोर्स हम डाल दे रहे जो हमारे यहाँ नहीं चलता है, ठीक है, तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब लिस्ट का मतलब क्या है कि जिसका इस्तेमाल आपको बार बार करना है और तुम लग रहा है नहीं, ये हेडिंग में बार बार अप्लाई होता है, तो उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं मेन हेडिंग के हिसाब से। जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट किसका बना सकते हो, जैसे टाइटल का बना सकते हो, टाइटल का मिस्टर मिसेस, तो मेल हो तो दो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है तो मिस्टर ले लेंगे, फीमेल हो तो मिसेस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा दूसरा कोई अगर सेलेक्ट भी करता है और लिखता भी है तो नहीं लेगा। और किसका बना सकते हो, कोर्स का बना सकते हो, और किसका बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई व्यापार है और कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट हम बेचते हैं, मतलब हम पीसी बेचते हैं, कीबोर्ड बेचते हैं, माउस बेचते हैं, रिमोट बेचते हैं, कुछ आइटम है जो फिक्स है, उसके अलावा दूसरा आइटम हम नहीं बेचते हैं, तो हम उसको बना सकते हैं। और जब भी कोई कस्टमर है उस आइटम को बेच देंगे, अगर कोई ऐसा आइटम वो बोल रहा है और जैसे लिख रहे हैं तो एंटर करें तो एक्सेप्ट नहीं करने देगा, तो बोल देंगे नहीं बाबू हमारे यहाँ नहीं बेचा जाता, तो उसके लिए हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। कैसा बन के आएगा, कुछ ऐसा बन के आएगा, अलाउ अलाउ क्या लेते हैं, डेसिमल नंबर, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। फिर से यहाँ पे डाटा में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है, इसमें से क्या लेना है, मतलब जिसका इस्तेमाल करना है उसका ले लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे उसको सीखते हैं। इसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, इसी बार एक टास्क हो जाएगा, प्रोडक्ट नेम इसको बड़ा कर। उसके बाद रेट, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद टोटल अमाउंट। प्रोडक्ट रेट क्वांटिटी टोटल अमाउंट, तो हमको जो बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट वो किसका बनाना है, प्रोडक्ट का। तो ऑल बॉर्डर पहले कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के उस प्रोडक्ट को कहीं लिखना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ बेचा जाता है डेल, डेल प्रोडक्ट का कोई आइटम बेचा जाता है। उसके बाद एसर, लेनबो, उसके बाद एचपी, ठीक है, ये सब है, ये हमारी कंपनी के नाम हमने लिखे कुछ ऐसे आइटम्स है, टीवीएस, इंटेक्स फॉर एग्जाम्पल।
अब इसका ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना था, कहीं लिखना पड़ेगा एक बार लिख के। अब यहाँ पे यहाँ बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने बाद से कहाँ आएंगे, डाटा टाइप, उसके बाद डाटा वैलिडेशन, उसके बाद अलाउ, अलाउ में लिस्ट, और यहीं पे सोर्स। तो सोर्स में उस सोर्स को सेलेक्ट करेंगे जिसका ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना है। तो सोर्स पे क्लिक किया, कर देंगे ओके, हो गया। अब यहाँ पे देखो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बन के आप तैयार आया। अब करेंगे क्या, इसको एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप खींच देंगे पूरा यहाँ तक। अब देखो हर जगह ड्राफ्ट डाउन लिस्ट आ गया। अब कोई कस्टमर आया, कह रहा डेल का थोड़ा आइटम चाहिए, तो क्या चाहिए, डेल, यस क्लिक डेल। रेट क्या है, 2500। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हो, एक, तो टोटल अमाउंट 25 गुणे 1 कितना आ गया, 25। फिर से कोई आया कह रहा टीवीएस का आइटम चाहिए, सेलेक्ट कर लेंगे क्या, टीवीएस। उसके बाद इसका रेट है 2000, कितना पीस, 2 पीस। बस यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, अपने आप पूरा अमाउंट आएगा। अब लिखते जाओ, उसके बाद कौन सा आइटम है, कोई कह रहा लेनोवो वाला चाहिए, रेट हमने भर दिया। उसके बाद कितना पीस, 5 पीस, वैल्यू आता जाएगा। समाया, ऐसा भी लोग दुकानदार लिस्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, उसका रेट हो गया, कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं, कितना पीस बेच रहे हैं, और टोटल अमाउंट। बस एक बार फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ पे मेंशन करते जाइए, उसका रेट यहाँ पे भरते जाइए, कितना क्वांटिटी बेच रहे वो मेंशन करते जाइए, अपने आप टोटल अमाउंट आता जाएगा। समाया, इसे बोलते हैं ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। अब ड्राफ्ट डाउन लिस्ट कोर्स भी बना सकते हैं, अटेस्ट भी बना सकते हैं। अगर मान लो कोई बीच में कोई दूसरा लिखते हैं तब देखो कुछ लिख देते हैं, एबीसीडी ले रहा है नहीं ले रहा है, मतलब लेगा तो उसी के अंदर लेगा, आ गया ना, लिख भी देंगे तो आ जाएगा, समझ रहा ना, क्या लिखेंगे, डेल, आ गया, एचपी, देखो आ गया, लेकिन कोई दूसरा कोई लिख दो नहीं लेगा, बोलो क्लियर है सबको। चलिए अब यहां पे हमने बताया समझाया, कल हमने कुछ ऑप्शन और छोड़ा था, क्या इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। तो इसका एग्जांपल यहां बता देते, जैसे मान लो एज जो था वो हमारा कंडीशन क्या था, 18 से लेके 40 साल या 18 से लेके 25 साल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, कहाँ पे आएंगे, होल नंबर और बिटवीन लेके मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, कर दिया ओके। अब वैल्यू देखो हमने ले लिया क्या, 18, एक्सेप्ट किया, 17, नो। तो जो ये मैसेज आ रहा है कि द वैल्यू यू इंटर इन नॉट वैलिड, हम सोच रहे हैं या वैल्यू हम अपने हिसाब से अगर मैसेज दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसे पता भी चलेगा क्या मेंशन हमको करना है। इसके लिए आते कहाँ पे है, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे फिर से, और सेलेक्ट करके चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन, और आ जाएंगे कहाँ पे, एरर अलर्ट पे, कहाँ पे आएंगे, एरर अलर्ट पे। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टाइल, स्टाइल में पहला स्टॉप, उसके बाद से वार्निंग, उसके बाद से इंफॉर्मेशन, तीन ऑप्शन का तीन यूज है। स्टॉप कर देंगे तो जितना कंडीशन देंगे वही कंडीशन फॉलो होगा, अगर वार्निंग कर देंगे तो वार्निंग देके डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब वार्निंग देगा, जैसे मान लो वार्निंग दे रहे हैं बाबू कल यहाँ पे नहीं जाना है, तो कोई जरूरी नहीं जाओगे, ठीक है आपकी मर्जी हो, चलो जाओगे तो सजा पाओगे, नहीं जाओगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो यह वार्निंग है, इंफॉर्मेशन, बस इंफॉर्मेशन दे देंगे फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा, स्टॉप में जो देंगे वही लेगा, लेकिन यह सब मैसेज हमको देता है, इसीलिए हमेशा इस्तेमाल किसका करते हैं, स्टॉप का। लेकिन तीनों का यूज बता दूंगा मैं आपको। चलो स्टॉप पे आ जाए, टाइटल तो बोला वैलिड डाटा, क्या बोला, वैलिड डाटा, मतलब मेरे हिसाब से वैलिड डाटा कौन सा होना चाहिए, तो बोला पहली डाटा क्या होना चाहिए, एरर मैसेज दीजिए, तने बोला
एज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 18 to 25। ठीक है, कर देंगे ओके। मैसेज दे दिया हमने। अब देखिए लिखा हमने 20, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिखा 17, तुरंत बताएगा या वन जो भी है आया। तो जो कंप्यूटर एरर दे रहा था बता रहा है एज होगा 18 to 25, वो समझ जाएंगे हाँ इसी के बीच हमको एज लेना है। क्लियर है? चलिए फिर से बता दे रहे हैं आपको, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ आएंगे? डाटा टाइप पे, कुछ करना नहीं है। कहाँ पे आएंगे? एरर अलर्ट। कहाँ पे आएंगे? स्टॉप। लिख देंगे पहली डाटा, और उसके बाद से यहाँ पे जो भी एज देना है आप दे सकते हो, और कर देंगे बस ओके। ठीक है, बोलो। चलिए अब हम सोच रहे हैं कि इससे एरर तो बाद में दे रहा है ना, जब गलती कर रहे हैं तब दे रहा है। हम सोच रहे गलती करने ही ना दे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर इस सेल में बता दे बाबू देख ध्यान देना कि आपका रेंज इससे के इसके बीच होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, किसी भी पे लगा सकते हो आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने बाद डाटा वैलिडेशन, और आएंगे कहाँ पे इस बार, इनपुट मैसेज, वार्निंग नहीं इनपुट मैसेज, और यहाँ पे टाइटल में क्या देंगे, वैलिड डाटा। इनपुट मैसेज ओके। अब देखिए जैसे भी सेल में लिखने जाएंगे ना, देखो पहले ही बार बार निर्देश देगा ध्यान देना बाबू, लेकिन 18 नहीं दिखा था क्या? चलो दिखा रहा है, पहले हमको इंडिकेट करेगा। अब इसमें भी आंख बंद करके लिखो, कोई बताइए नहीं। हाँ अब इतना सुविधा दे दिया कि गलती मत करना। पहले तो एक तो एज हम लोग बाहर जाएंगे तो नहीं करने देगा, पहले तो जब क्लिक कर रहे हैं तो पहले सुधार कर लो। ठीक है, अगर उसमें भी नहीं मान रहे हो लिख दो, तो लास्ट में फिर से मैसेज दे रहा है। अब फिर भी नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आंख बंद करके दबाते रहिए सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, तो ये तरीके हैं, आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, हो जाएगा इसका यूज। अब कोई जरूरी एज पे दे सकते हो, मोबाइल नंबर वाला कल दिया था ना हमने, तो लिख दो मोबाइल नंबर फॉर एग्जाम्पल, और इस पे देखो सेलेक्ट कर लो पूरा एक बार। हम एक बार भी लगा सकते हैं पूरा डाटा वैलिडेशन। सेटिंग में आ जाइए, क्या लेंगे, टेक्स्ट लेंथ आज नहीं भूलना है, इक्वल टू क्या लेंगे, 10 हो गया। फिर से आएंगे इनपुट मैसेज, पहली डाटा जो नंबर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 10। उसके बाद स्टॉप, सब एक बार लगा दो। हाँ टेन ओके आ रहा है, चलिए लिख दो। कम है ना, इसीलिए ऐसा मैसेज दे रहा है। पूरा कर देंगे तो किसी भी लगा सकते हो, यहां पे उचित नहीं रहेगा। बोलो हाँ, इसमें क्या देना, प्रोडक्ट अलग अलग है तो प्रोडक्ट कितना लिखेंगे वहां पे, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिमिट नहीं। नंबर पे सबसे अच्छा है यार, देखो क्लियर है सबको। चलो वार्निंग वाला बता दें आपको, सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने वाले से क्लिक करिए। इस बार ले लेते हैं वार्निंग, देखो केवल वार्निंग हमको देगा, देख रहा है ये वार्निंग का आ गया, कर देंगे ओके। अब देखिए लिख दिया कितना, 17। वार्निंग दे रहा है, इनकार रहा है कि यस कर सकते हो कंटिन्यू करने के लिए, नो भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, अगर मालूम सहमत है तो यस कर दी, तो ले लिया 17। ठीक है, और इंफॉर्मेशन में तो इंफॉर्मेशन देगा, बात हुई है। चलो उसको भी दिखा देते हैं तब।
16 दिखा दिया, कैंसिल करना कैंसिल करो, ओके करना तो एक्सेप्ट कर लेगा, कैंसिल कर देगा तो नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। 17,000। अब बोली डाटा वाली एडिशन में एक एक ऑप्शन में मैंने बताया कि इसमें क्या इसका यूज है, इसका क्या यूज है और इसका क्या यूज है। बाबू ठीक है, हो जाएगा, बोलो। नहीं बोलते हैं सर, लिखोगे इसको?